मैं आपको ये चीज बताता हूँ, आजकल स्टेट भाग पर लगभग हम लोग 1975 से ये छठ पूजा करते आ रहे हैं और ये छठ पूजा आस्था का महापर्व है। और ये आस्था का जो महापर्व है, लगभग हम भी इससे 45 साल से जुड़े हुए हैं और मेरे लक्ष्मी नारायण मंदिर से ये संचालित होता है। ये छठ पूजा समिति की ओर से वाली काफी लड़के ये मिलजुल कर इसको पूजा का सम्पन्न करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि छठ पूजा करने से क्या लाभ होता है। जैसे छठ महापर्व पंचाली भी की थी, जब उसका एक ऐसा काम जो मुश्किल में पड़ गया, तब एक संत ने उन्हें बताया कि इस तरह का ये छठ पर्व सूर्यनारायण का आरंभ दो, छठ पूजा करो, तो हो सकता है कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो पंचाली भी इस छठ पूजा को की है और कितने ना देवी देवताओं भी इस छठ पूजा को किए हैं। और हम क्या, एक तो मनुष्य है इस पृथ्वी पर, लेकिन देवी देवताओं को अभी आस्था जब पूरा नहीं होता था तो ये छठ पूजा करते थे और उनका ये आस्था पूरा होता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छठ पूजा से, छठ महापर्व इसको करने से आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। जैसे कि आपका कोई काम लगभग 20 वर्ष 40 वर्ष से ये रुका हुआ है, या कोई काम ऐसा अजूबा काम जो आपका नहीं होता है, यदि आस्था बना लोगे और छठ मैया का कृपा बना लोगे और छठ मैया का व्रत करोगे, तो हमको लगता है आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। छठ पूजा सिर्फ घाट का ही संकल्पित लोग होते हैं। जैसे छठ पूजा करने का एक नियमतम मार्ग और एक अच्छा मार्ग सिर्फ गंगा घाट का किनारा ही होता है। और इस महापर्व को इस गंगा घाट का ही नियम है, वेदों में नियम है कि गंगा घाट पर ही छठ पूजा करना चाहिए और इस सूर्यनारायण का अर्घ डालना चाहिए। सूर्यनारायण का अर्घ डालने से नाना रोग प्रकार का नाना बीमारी भी भागता है। और जिस इस आस्था का पूजा में जो लोग आते हैं संग में, उनके आस्था लेकर आते हैं तो उनका भी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और जो भी सूर्यनारायण से मांगते हैं या जो भी आपका मन में जो इच्छा हो उसको मांगने पर पूर्ण होता है। और इस छठ पूजा लगभग हम 45 वर्षों से करते आ रहे हैं और इसमें डीएम साहब भी, कमिश्नर साहब भी, यानी कि हर प्रशासन के लोग भी इससे जुड़े हुए होते हैं और उनके दिशा मार्ग पर हम लोग एकजुट होकर ही छठ पूजा को करते आ रहे हैं। और हम इस जगह पर कलेक्ट्रेट घाट पर हम यही चाहते हैं कि इस गंगा, फिर से गंगा माँ का यहाँ पर ही एक परियोजना सरकार का बना है, जो जिस तरह से हर की पैरों पैरों में जैसे जल भर बहते रहता है, उस तरह से कलेक्ट्रेट घाट पर भी एक समय में उसी तरह हर की पौड़ी की तरह यहाँ गंगा घाट नजर आएगा। तो वक्त के समय से, समय के अनुकूल ये गंगा आती है और जाती है, दिशा बदलते हैं। जब सरकार का ध्यान हो गया है तो इस घाट पर गंगा जरूर जाएगा। और मैं इस छठ पूजा में हर हमारे जो संस्था के लोग हैं, मेरे हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे छठ व्रत से जुड़े हुए हैं, उनका एक आस्था रहता है कि नहीं, इस महापर्व में बाबा जी का साथ दे और समाज का, यानी कि ये जो पर्व है यदि आप करते हैं मिलकर तो परमार्थ के कार्य में साधु धरा सभी। संत तो सिर्फ यही सिखाता है कि देखो, परमार्थ का कार्य करने से, धर्म का कार्य करने से, ये सब करने से नाना प्रकार के आपका हर कष्ट दूर होता है, उसमें भी नाना प्रकार के बीमारियां का आपको दूर होता है, जो जो नाना प्रकार का आपको दिमाग में टेंशन वो दूर होते हैं, नाना प्रकार का आपका हर तरह से ही अच्छा पॉइंट है कि इसको आस्था से जुड़े हुए रहें। इसमें हर जात के लोग, ना चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी लोग के जात के लोग, आप तो अब देखते हैं अंग्रेज लोग भी इसमें सम्मिलित हुए, छठ पूजा करते हैं, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसलिए इस आस्था का पर्व में और इस लॉकडाउन के समय में भी इस आस्था का सालाव में जो भीड़ रहा,
और जो मैंने देखा कलेक्ट्रेट घाट पर, शायद लगता है कि ये लॉकडाउन नहीं भी था तो इतना भीड़ नहीं था। तो हमें लगता है कि ये आस्था जहाँ है वहाँ बीमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जहाँ इतने लोग का आस्था इस महापर्व पर चल रहा है, इतने लोग इतना भगवान का फरियाद में लगे हुए हैं, यानी नाना प्रकार के कुछ अपने लोग अपने लिए भी लगे हुए हैं, कुछ उस परमार्थ के कार्य के लिए भी माता बहन इसका माँ भगवान से आराधना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इसका बीमारी यहाँ से भाग जाए। और हमें लगता है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये छठ के बाद इस पृथ्वी पर बदलाव आएगा और ये बीमारी छठ मैया हम के कृपा से हमें लगता है कि बीमारी यहाँ से भाग जाएगा। और क्या बताऊँ, इस जगह पर आने वाला समय में और सुंदर से सुंदर आपका व्यवस्था होगा, सुंदर से सुंदर आपको और चाहेंगे कि हम आप सरकार मिलकर इसको और अच्छा नियंत्रण से रखें और पूजा पाठ में ध्यान रखें। और हम लोग का ही नहीं, आप लोग का सहयोग से ही ये सब काम होता है, धर्म का काम होता है। तो आप लोग इसके बीच में आप लोग भी आए और इस आस्था का सहारा में हम सब मिलकर एक साथ होकर एकजुट होकर अपने धर्म की आस्था को बचाए और इस आस्था का महापर्व में हम लोग सम्मिलित हो। जय शक्ति।